हम अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं अभी अपने गांव से निकला हूँ। हमारा प्लान तो सुबह 5 बजे का निकलने का था, लेकिन मेरे टूर पार्टनर ने हमें लेट कर दिया। वो कहता है कि कुर्बानी करके निकलेंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद हसीन नज़ारों की तलाश में। ये आप मेरी दाएं बाएं देख सकते हैं, ये अभी मौसम में बरसात का सीज़न चल रहा है और किसानों के लिए ये सीज़न इस वजह से भी थोड़ा सूदमंद है कि अभी हमारे यहाँ गंदम की कटाई के बाद अभी चावल की फसल को लगाने का सीज़न है और चावल की फसल इसके लिए हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सरकारी सतह पे कुछ इस दफ़ा ऐसा प्लान है कि हमें जो नहरी पानी मिलता था उसकी मकदार भी इतना ही कम है और ना सिर्फ कम है बल्कि 1 माह में तकरीबन 10 दिन ये अब पानी बंद भी रहता है। हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात भी कुछ हो रही हैं। ये जो हमारे मखसूस तबकात हैं जो मलों को चला रहे हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी हाल देख लें, हमारी ज़रात का भी हाल देख लें। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने इतना इस हवाले से अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि हमारे यहाँ हर चीज़ काश्त की जाती है, हर चीज़ उग सकती है, फ्रूट से लेकर रोज़मर्रा की जो हमारी खाने पीने वाली अशिया हैं, गंदम चावल सारा कुछ। लेकिन फिर भी ये बस इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो आम आदमी की समझ में नहीं आती और पानी की हमारे यहाँ अभी शिद्दत से वो कमी महसूस की जा रही है और उसका अंदाज़ा आप हमारे किसानों से पूछ के लगा सकते हैं। और डीज़ल की कीमतें भी बहुत ऊपर जा चुकी हैं। अभी मैं अपने गांव से निकल के हमारा जो मेन रोड है जो गुजरात के एक शायद डिंगा को मिलता है उस पर मैं भी सफ़र हूँ और हमारा पहला स्टे इंशाल्लाह इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद से आगे हम मौसम का अंदाज़ा लगा के तो डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा रूट अख्तियार करना है। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। इस वक्त तकरीबन रोड की कंडीशन के हिसाब से थोड़ा लेट ही 10:30 बज चुके हैं, डिंगे पहुंच चुका हूँ। डिंगा से आगे मुझे उमैर और नुमान ज्वाइन करेंगे। We'll be right back.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब इस वक्त हसन अब्दाल से रवाना एबटाबाद की तरफ। एबटाबाद यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर है। मौसम बहुत ही अच्छा है, पीछे बारिश थी तकरीबन पिंडी तक, तो हमें वो अपना सामान वगैरह निकालना पड़ा, बरसातियाँ रेनकोट। तो अभी धूप निकल आई है, मौसम बहुत ही खुशगवार है। टाइम तकरीबन 3 बज चुके हैं, हम थोड़े लेट निकले थे तो इसी वजह से। तो अभी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि शाम होने तक या जब तक मौसम ठीक है जितना सफ़र हम कवर कर सकते हैं हम करें। दुआ हो रहिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑफिशियली केपी के मेंटर हो चुके हैं। अभी आगे हवेलियाँ, हवेलियाँ के बाद एबटाबाद आएगा। और अगर सफ़र की बात करें तो अभी तक हमने 217 किलोमीटर कवर किया है, और टाइम हमने बहुत ज़्यादा लिया है क्योंकि कुछ तो हम निकले भी लेट थे और ऊपर से बारिश आ गई, जिसकी वजह से हमें अपनी स्पीड बिल्कुल बहुत ही संभल के चलाना पड़ी बाइक, क्योंकि हमारे रोड की जो कंडीशन है वो आप बेहतर जानते हैं। तो बहुत ही हम नॉर्मल तरीके से आए हैं। अभी ये ऊपर से मोटरवे गुजर रही है, ये मोटरवे सी पैक का हिस्सा है, और यहाँ से मोटरवे की इंट्रेंस है जो इस्लामाबाद, एक साइड से इस्लामाबाद और दूसरी साइड से हमारी एक मानसेरा में लोकेशन है ठाकुर के नाम से, वहाँ तक कम्प्लीट हो चुकी है। और जिसकी वजह से अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट पे आते हैं गाड़ी वगैरह पे तो आप बहुत ही ईजीली मानसेरा बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। लेकिन हमें चूँकि बाइक्स का नशा है तो हम तो अपने हिसाब से आएंगे। यहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ तक आने के लिए, एबटाबाद आने के लिए हमारे पास 3 मुख्तलिफ रूट्स हैं। नंबर 1 रूट जो है वो, अगर आप, ये मैं बाइक के रूट बता रहा हूँ आपको, आप इस्लामाबाद फैसल मस्जिद से ऊपर मुनाल की तरफ आएँ और मुनाल से होते हुए 12 जो हमारा ये मारगला हिल्स हैं उनको क्रॉस करते हुए वहाँ से, वो बहुत ही अच्छी रोड है। और अगर आप नूरी वाटरफॉल और उसके अलावा अम्ब्रेला वाटरफॉल का विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो बहुत ही सूटेबल रूट है, और वो जंगलों में से होता हुआ बहुत ही खूबसूरत सा एक रोड है। और लेकिन वो सफ़र थोड़ा ज़्यादा बनता है। और ये दूसरा रूट जो है ये आपको टैक्सला से आगे वाक कैंट और हसन अब्दाल से होते हुए यहाँ से हरिपुर लेके आएगा। और ये चूँकि मैदानी सा इलाका है और आप थोड़ा स्पीडली अपने सफ़र को जल्दी कवर कर सकते हैं। और तीसरा रूट जो है वो, अगर आप मरी साइड से होते हुए एबटाबाद आ सकते हैं नथिया गली से होते हुए, और उसके अलावा एक मोटरवे वाला रास्ता भी है अगर आप गाड़ी वगैरह पे आते हैं तो, उसके लिए सबसे सूटेबल यही है कि आप इस्लामाबाद से मोटरवे को लें और मोटरवे से आगे आप इसी रूट पे आएँ। अभी मेरे दोनों साथी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा स्पीडी चलें ताकि हम जल्द अज़ जल्द
मानसेरा को क्रॉस करके आगे नारान पहुंचने की कोशिश में जितना सफ़र कवर हो सकता है कर लें। मुझे ये ज़िला हरिपुर बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो ये मैदानी इलाका होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें हैं, और रास्ते में भी जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो हर सीज़न की आपको सब्ज़ियाँ फ्रूट्स सारा कुछ रोड्स पे जा बजा मिलेगा। तो खूबसूरत इलाका है, लाजमी विज़िट करना चाहिए। यहाँ से होते हुए आप हरिपुर से आप तरबेला डैम विज़िट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप नूरी वाटरफॉल और अम्बेरा वाटरफॉल तक जा सकते हैं यहाँ से होते हुए। और आगे ये आपको ये समझ लें कि आप अगर नारान यहाँ मानसेरा साइड पर जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है, और रास्ते में अगर आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो आप इजीली एक दिन में अम्ब्रेला वाटरफॉल और नूरी वाटरफॉल उनको भी कवर कर सकते हैं। आप अभी थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। ऐसा बात अगर देख लें रोड्स की साइड्स पर बहुत ज़्यादा बागात और तकरीबन यहाँ पर मकई बाजरा और सारी फसलें वाफर तादाद में नज़र आती हैं। तो मौसम भी बहुत खुशगवार है, अल्लाह करे कि मौसम इसी तरह रहे, क्योंकि अगर बारिश वगैरह आ जाए तो फिर एक तो हम अपना सफ़र ज़्यादा आसानी से कवर नहीं। इस वक्त हम हवेलियाँ पहुँच चुके हैं। ये हवेलियाँ से अहमदाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता है, बहुत खूबसूरत। ये व्यू चेक करें आप, नीचे से दरिया गुजरते हुए, खूबसूरत मौसम, और इनका ही खूबसूरत इलाका। मेरे ग्रुप वाले आगे फोटोग्राफी में मसरूफ, अभी तकरीबन हम इस्लामाबाद से 110-115 किलोमीटर सफर कर चुके हैं यहाँ, बात बिल्कुल पहुँच चुका है, थक भी चुके हैं, और हमारा दिल आया कि हम कम अज़ कम बालाकोट जा कर स्टे करें, या उससे आगे दबाग हो रही है कहना पड़ा। ये सफ़र खुशगवार साबित कर पाया मेरे लिए। ये जी चेक करें माशाल्लाह मानसेरा का व्यू, इतना ही खूबसूरत। मौसम भी बहुत अच्छा है इस वक्त, अल्लाह करे मौसम इसी तरह रहे। खाने के लिए खाना खाने से पहले थोड़ा सा फूड खा लें।
ये भी अभी हम पहुंच चुके हैं बालाकोट से थोड़ा सा पीछे। माशाल्लाह देखें ऊपर चांद का मंजर और नीचे ये बहता दरिया। अभी ये मुझे बड़ी खुशी हुई है, माशाल्लाह बहुत मौत हो रही है सामने, शायद आपको नजर ना आए दरिया के किनारे। इस वक्त असं पहुंचे हैं कि वाइट है साढ़े जनाब फर्स्ट टाइम नाल जाने वाले टूर पार्टनर जनाब थक गए कहते हैं इतनी लम्मी हो जाइए। इस वक्त जी रात के 10 बज चुके हैं और अभी हमने स्टे किया है ये कगान से कुछ 2-4 किलोमीटर पहले। अभी हम यहाँ पे कोई लोकेशन देखेंगे जहाँ पे हम अपना कैंप लगाएंगे और खाना खाएंगे। मुसलसल तकरीबन 10 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैवल करते हुए। साढ़े 400 किलोमीटर हो चुका है आज का हमारा सफ़र। डेफिनेटली मेरे दोनों टूर पार्टनर्स के पास ना तो स्लीपिंग बैग था और ना ही नीचे बिछाने के लिए कारपेट, तो मुझे भी अपनी कैंपिंग मुखर करना पड़ी। अभी कगान पहुंच गए हैं हम, रात के 11:30 बज चुके हैं और हमें कोई भी मुनासिब रूम नहीं मिल रहा। अभी वो रूम देखने गए हमें, अल्लाह करे कोई मुनासिब सा मिल जाए। हाँ जी ओ। यार उत्ते इतनी है छत्तान 4-5 की करना है नौमी चाल ला जिस तरह है नहीं कुछ नहीं होता क्यों। अच्छा मैंने बुए अगे सट्टो वा मैंने जेड़ा सर्दी को नहीं लगती है ना आ, मैं विश्कार सुना है भाजी परले पे हो नहीं नहीं भाजी कुछ नहीं होता इन्नी कुर्बानी तो देनी है ना। बारिश इस्लामाबाद तक कई पिंडी तक हाँ उतों ना गुजर खान तो लैके तो पिंडी तक तो इतने मौसम साफ ही कल का की चांस है अंकल जी कल की कहने कल अपना बारिश या कोई चांस रहने देने वैसे मौसम का की कोई सूरत हाल अगे सही है। इतों बाबूसर टाप तक कि टाइम लग जाएगा। अच्छा घंटा अगे ठीक।